दुल्हा चौका रेस्टोरेंट में हुए मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। रामगढ़ ताल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा किया पंजीकृत। घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है प्रहरी ऐप। फोटो अपलोड करते ही दर्ज हो जाएगी शिकायत, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा। ऐप के माध्यम से अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम। ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। आपदा से बचाव की दी गई सभी जानकारी। लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने हासिल किया दूसरा रैंक। गोरखपुर पहुंचने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने मेडल पहनाकर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। एसपी साउथ ने कहा, पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की नहान से एक दिन पहले ही लगा दी गई है ड्यूटी। यातायात माह 2022 के अंतर्गत छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को यात्रा करने के दौरान ट्रैफिक नियम का पालन करने का दिया गया संदेश। जनपद में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं अनेकों प्रयास, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। और श्री श्याम महोत्सव निशान शोभा यात्रा के 49 वर्ष पूरे होने पर 501 निशान के साथ श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा निकाली गई श्री खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा। कहा, खाटू धाम की जैसी प्रतीत हो रही है पूरी गोरखपुर नगरी।